हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून। और बहुत दिनों के बाद मैं आई हूँ और आज भी मैं एक रेसिपी लेके आई हूँ और वे वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा। अगर आपने इसको नाश्ते में या लंच में किया है तो इससे आप रेगुलर अगर आप खाते हैं तो आपको बहुत हल्का और अच्छा, और इसमें प्रोटीन बहुत अच्छा है और न्यूट्रिशन बहुत अच्छा आपको मिलेगा, एनर्जी लेवल बहुत अच्छी रहेगी बॉडी के अंदर। जो वाटर गर्मी के दिन में कैसे कहते हैं ना, पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन होता है, वो सब कंप्लीट करेगा। तो चलिए जानते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जानते हैं कि मैं क्या अभी मैं खाते खाते ये रेसिपी एक्चुअली शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि ये एक चीला है, लेकिन इसमें मैंने डाला क्या है। ये देखिए आप, चीला ये बेसन का चीला है, लेकिन मैंने इस बेसन के चीले में बहुत सारा जो है दूध ही डाला है। दूध ही मतलब लौकी डाला है। लौकी को पहले आपको छोटे छोटे टुकड़े में काट लेना है। आप उसको चॉप कर लो, अगर आपके पास चॉप कर सकते हैं या ग्रेट कर सकते हैं, दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। मैंने इसको चॉपर में चॉप किया महीन तरीके से। और इसमें बेसन के साथ मैंने आज नमक नहीं डाला है, क्योंकि थर्सडे है तो मैं नमक नहीं खाती हूँ, तो विदाउट नमक बनाया है। लेकिन आप इसमें सॉल्ट डालिए, आप इसमें अजवाइन डाल सकते हैं, जीरा डाल सकते हैं, थोड़ी हल्दी डालिए और खूब सारी लौकी डालनी है। और अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपको दो चीला खाना है, चार, जो भी खाना है अपने बॉडी अपनी अपनी भूख के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। और इन सब चीज़ों को आप फेंट लेंगे अच्छे से। और उसके बाद मैंने इस चीले को थोड़ा सा देसी घी डालना है। और जब आप चीले का जो बैटर स्प्रेड करेंगे, चूँकि इसके अंदर दूध ही है, तो मैंने क्या किया, उसको एक लिड से यानी कि एक ढक्कन कुछ भी ऐसे आपने पैन के ऊपर लगा देना है, जिससे वो थोड़ा सा स्टीम हो जाए, पक जाए अच्छे से। एक साइड से जब पक गया, फिर आप उसको पलट दीजिए, दूसरे तरह से भी आपको उसको अच्छे से पकाना है चीले को। आप देख सकते हैं मेरे चीले का कलर कैसा है, देखो इस तरीके से होगा और दूसरे साइड से इस तरीके से। इस तरीके से चीला बहुत अच्छा सा पक गया और बहुत सॉफ्ट हो गया है। आप इसको दही के साथ कर सकते हैं, गर्मी के दिन में दही खा सकते हैं। जिन लोगों को दही सूट नहीं करता है वो आप या तो चाय के साथ खा सकते हैं या कोई चटनी बना सकते हैं उस तरीके से। मैं आज दही के साथ खा रही हूँ। दही में मैंने थोड़ा गुड़ मिला लिया है, आप चाहे तो हनी भी मिला सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरीके का जो चीला अगर आप दो खाते हैं तो आपका पेट भी भर जाएगा। आप इसको सुबह के ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं या आफ्टरनून में भी आप खा सकते हैं, और बहुत इंजॉय कीजिए आप इसे खा के, और बहुत अच्छा है। आप एक बार ये रेसिपी ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि गर्मी का दिन है और अगर आप दूध ही खाते हैं तो ये आपके बॉडी में जो डिहाइड्रेशन होता है, उस तरह की जो कमियाँ होती हैं, उन सबको कम्प्लीट करता है। और बहुत ही हल्का है, पेट के लिए फाइबर है इसमें, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, सब कुछ इसमें एक पॉजिटिव एक पूरा डाइट है। तो आप इस डाइट को जरूर फॉलो करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।